हिप हॉप डांस बाय आवर स्टूडेंट अभिलाष. This goes out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take on a bad boy flight, missing tricks on the mic tonight. This goes out to the girls in the front. Always gonna make the hits, always gonna say what fits. So I said to the girl, when they gather no blood, and they gather no hope, but they gather no team. They wanna drink the best and they wanna do things, but this is how it works, so I need to get to grips. So that their motivation is also elevated. So please bear with us and let you guys learn that. Tujhe sab jaye, tu jaane aa.
Shira students have lined up for you is an English song. It's being sung by our student Saira. Very beautiful wordings. You say it the best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. खामोशी में ज्यादा बात कही जा सकती है, कह कहेंगे बहुत कम. एक शेर इसके ऊपर बोलता हूं. एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक. एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक. आंखों से की बातें बहुत, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कुछ कहा ही नहीं. सो हियर कम्स द सॉन्ग बाय सायरा. एंजॉय द सॉन्ग. The next program that we have is a song, Hoto Se Chulo Tum. ये मोहब्बत ये आस रहने दो, ये मोहब्बत ये आस रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो. सारी दुनिया तुम्हें ही मुबारक, मेरे होठों पे बस प्यास रहने दो. A song being brought by Vipin. Vipin, please come. Vipin, बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है. खुदा जब हुस्न देता है ऐसी क्रिया हो ही जाती है. खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है. कदम चुन चुन के रखती है मगर कमर बलखा ही जाती है. होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो. तुम जाओ मीत मेरे मेरी गीत अमर कर दो. वैसे तो डॉक्टर कुमार विश्वास किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. आपकी तालियां जैसे ही वो अंदर आए थे आपका शोरगुल मचाना ही बहुत था. ये कहने के लिए सोसाइटी को देते हैं. अभी थोड़े दिन पहले ही अन्ना हजारे के साथ में इन्होंने जो है उनका जो लोकपाल बिल का जो एजेंडा था उसको प्रमोट किया था इन्होंने, राइट और ये आईआईटी आईआईएम आप बोलिए जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इनको इनको सुनने के लिए सारे बच्चे लाइन अप हो जाते हैं इनसाइड द ऑडिटोरियम एंड आल्सो आउटसाइड द ऑडिटोरियम. बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती हैं और इनको लोग बात सुनते हैं. और आज उन लिस्ट के अंदर तक्षशिला बिजनेस स्कूल का भी नाम शामिल हो गया है. इसलिए नहीं सुने जा रहे हैं कि हमने कोई खास कविता लिख दी है. हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमारा खानदान बड़ा है और आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम बड़े खानदान से आए हैं. हम कबीर के वीर के सूर के तुलसी के मीरा के घर में पैदा हुए हैं. इसलिए आप इतना कि शोहरत न अता करना मौला. अता करना माने देना, शोहरत मत देना वाह करे. कि शोहरत न अता करना मौला. फिर वो मना करता है तो हर
हर हिंदुस्तानी हर आदमी चाहता है। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और सच्चे मुसलमान को दुआ में जो चाहिए उसके लिए भी शौकत मना करता है, सबके हाथ इस बात पर जाए। दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब एक एक हाथ खुला हुआ इस बार मेरे साथ। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लो पर जब, शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, आइए हो ठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हो ठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बन सुनेगा कि बस एक सदा ही सुने सदा, हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है, हिंदुस्तान हवा महल और ये नई विधानसभा भी नहीं है। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे मैनेजर बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। तब कहता हूं तुम्हें कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे। क्या कहा था संदीप उन्नी कृष्ण कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का जयगान सुने। अगली पंक्ति उन सिखों के लिए, दशमेश गुरुओं की परंपरा के लिए, आपका मौन खल जाएगा जरा। पहली बार पढ़ रहा हूं इस बंद को, पहली बार लिखकर तो आपके दाद मिले। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। लेकर पुकार, और मैं उनको पढ़ता हूं जो रसखान रहीम के वंशज है, अफजल गुरु के वंशज नहीं, जो सच्चे मुसलमान है, जो अपने ईमान पर मुसलसल है। अगली दो पंक्तियां उस मस्जिद तक भी पहुंचाना जहां आज तक अंदर सम्मान नहीं जा सका, जो हिंदुस्तान के कानून से भी बड़े होने का ठान करते हैं, उनके कानों के पर्दे फटे ऐसी तालियां देना। परवरदिगार मैंने पुकार, परवरदिगार लेकर पुकार, मैं तेरे बार पर कहता हूं। आप सबका दाद मिले। परवरदिगार लेकर पुकार, मैं तेरे बार पर कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान। जनमन में उच्छल, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में आप जहां मुझे मिलेंगे, एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे नागरिक होकर मिलेंगे, एक अच्छे। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने, फड़ने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। आखिरी पंक्ति मेरे कर पाठ की। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने, जनमन में उच्छल देश प्रेम का। आप सबके हाथ इस बार उठे हुए हैं। जनमन में उच्छल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शौहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, जोर से गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। और इतनी कम जनता में मैंने बहुत कम परफॉर्म किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगली लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं यहां ऐसी एम्बियंस आएगी जैसे 5-10 हजार लड़के आईआईटी के खड़गपुर के मैदान में सुन रहे हैं। अगली पंक्ति में वो पढ़ने जा रहा हूं, आप सब उछल जाएंगे। दावा करता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा कुछ बने ना बने माँ बाप जरूर बने। यही एक काम है भारत में तो सबके साथ होता है, प्लेसमेंट मिला ना मिला ये सबके साथ हो जाता है। कि कोई लग गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। मोहल्ले वाले कुत्ते भगाने की तुम गाओ बहुत अच्छी तरह पर तुम्हारी टाइमिंग खराब है थोड़ा। हाँ टाइमिंग सुधार लो फिर सबसे हो जाए। कोई लब छू गया था, हो सकता है इसकी खुद की डिस्टर्ब हो। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। अब जरा शायरी भी सुने, मैं जानता हूं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूं, तो मुझे बताइएगा। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा। और चार पंक्तियां सुनाता हूं सुनेगा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं। नारायण मूर्ति क्या नौकरी करके नारायण मूर्ति नहीं बना जाता। नारायण मूर्ति वो होता है जिसे नौकरी नहीं मिलती तो वो इतने सारे लोगों को नौकरी देता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं। शीशे से पत्थर तो उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर। सबसे इम्पॉसिबल काम और सबसे ज्यादा दाद चाहिए। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर। बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम। और एक मुक्त तक आपको और सुनाता हूं सुनेगा। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है। आदि पंक्ति सब बोले अगली। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। सुनिएगा, मोहब्बत मुकाम के बाद आए तो वो मोहब्बत नहीं धोखा है, समझना। मुकाम से पहले आए तो वो मोहब्बत है। अपन क्या सुनाता हूं कि जो हमको भी प्यारा है। मेरे जूनियर मैंने दोस्त है मेरा, मैंने मार्केट में देखा सूरत में साड़ी बाजार में 4-5 साल बाद शादी का भी मिला पहली बार। तो उसकी शादी में गया था तो पत्नी का हाथ पकड़ के चल गया। मैंने कहा इतना प्रेम बचा रहा था उन दोनों में। बोले प्रेम की बात नहीं है, हाथ छोड़ो तो दुकान में घुस जाती है। शादी से पहले लड़की का हाथ थामो तो प्रेम, और शादी के बाद थामो तो आत्मरक्षा। और देखो
ये भारतीय दाम्पत्य जीवन चार पांच वर्षों का आनंद है। तुम एमबीए करके निकलोगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, बच के रहना, जब तक बचो तब तक बचना, वरना ये ऐसी चिंगम है जिसे चबा जाओ, पांच छह साल बाद ये खुद ही का खुदरा समय मुंह में जा रहा है। ना इसे फेंक सकते ना दूसरे को चिपका सकते, क्योंकि भारत में जायज नहीं है। आप देखो प्यारा है, हर लड़की अफेयर में ये जरूर कहती है मैं आपकी लाइफ में आ गई तो आपके आधे गम दे। आप उससे पूछो कि गम तो अपनी लाइफ में है ही नहीं, बोले एक बार आने दो तो आपको गम ही नहीं बच सकते। जो हमको भी प्यारा है और कहीं भी बैठ जाओ, पुरुषों में बैठना तो क्या कर, मतलब एनबीए वाले इतने ऑप्शनल होते हैं कि कुल्फी भी खाते हैं तो हर तरफ से चाट के देखते हैं, पता नहीं कहां से जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, दादे के झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। ये मेरा अहंकार हो सकता है लेकिन आप चिंता नहीं है, सर स्वाभिमान मना देंगे। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसास तुम्हारा, प्यार हुआ। इसे कहते हैं प्लेसमेंट के बाद का प्रपोजल। दो पंक्तियां और सुनिए दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी चेहरे को, किसी व्यक्ति को, किसी काम को, किसी चीज को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके ना रहने पर जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको एक गजल के, ताजा गजल के दो शेर सुनाता हूँ। गजल की हालत हिंदी में ऐसे जैसे भाजपा में गडकरी जी, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है पर बैठे हैं क्या कर रहे हैं। आपको समझ में आए ना आए, आप गजल को ऐसे सुनना जैसे फर्स्ट ईयर में लड़के इंग्लिश फिल्म दिखाते हैं सीनियर अपने, सुन भी चुके हैं। मैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ। असली कविता जो मैं सुनाने आया हूँ इन दिनों, जो सुना रहा हूँ क्योंकि अन्ना के मूवमेंट में हूँ, वो जरूरी कविता है। आज तक मैंने हर इंस्टीट्यूशन में पिछले दो तीन सालों में ये अधूरी सुनाई थी, शायद ये पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है जब मैं पूरी सुनाऊंगा उस कविता। दोस्तों मैं रोज रात जवान पीढ़ी को इसलिए सलाम कर रहा हूँ, पगली लड़की आप सब सुन चुके हैं, नेट पे भी बहुत आप सुनिएगा कि जीते जीते जी इसका मान, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे, गोधरा ना हो गुजरात ना हो, ना गोधरा करते ना गुजरात होता, पड़े रहो मोदी के पीछे, जितना पीछे पड़ोगे उतना जीतेगा। सब कहता हूं गोधरा ना हो गुजरात ना हो, ईमानदार लोग ईमानदार तालियां दें, गोधरा ना हो गुजरात ना हो, इंसान मन का हो एक बंद का गीत।